प्रौढ प्रतापी मन शुद्धकारी देवे सदा उपदेश भारी आचार्य चूड़ामणि धर्म सूरी जी को सदा हो वंदना भूरी। आदिनाथ परमात्मा के स्तवन में पद्म विजय जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, उत्तम ना गुण गावता गुण आवे निज अंग। पीढ़ियों से हमारी यह गुरु परंपरा रही है कि गुणानुवाद हम करते चले। जिस व्यक्ति के जीवन में गुण हो, वह गुण के यदि गुणानुवाद किए जाए तो हमारे जीवन में भी वह गुण का सूक्ष्म अंश आ सकता है। और ये 2600 साल की परंपरा में हमारे जिन शासन में अनेक आचार्य भगवंत हुए, किसी ने तप के माध्यम से, किसी ने त्याग के माध्यम से, किसी ने क्रिया के माध्यम से, किसी ने आराधना के माध्यम से, किसी ने साधना के माध्यम से, किसी ने ज्ञान के माध्यम से जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की। और वही परंपरा में 20वीं सदी के एक अद्भुत महापुरुष थे, परम पूज्य जगत पूज्य शास्त्र विशारद जैनाचार्य विजय धर्मेश्वर जी महाराज। एक ऐसे अद्भुत विद्वान जिनका जन्म महुआ नगरी गुजरात में हुआ, बचपन से धर्म के साथ कोई लगाव नहीं, लेकिन गुरु के संपर्क में आए, दीक्षा लेने तक जरा भी ज्ञान नहीं, जरा भी समझ नहीं, जरा भी याद रहता नहीं था, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से एक अद्भुत जिन शासन के उच्च कोटि के ज्ञानी बने। ऐसे ज्ञानी जिनके पास एट अ टाइम 20, 25 और मैक्सिमम 50 जितने फॉरेन के स्कॉलर्स आके पढ़ते थे, अभ्यास करते थे, विदेशों के विद्वानों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे डॉक्टर हरमन जैकोबी जैसे विद्वान यहाँ आकर के गुरुदेव के चरण में बैठते थे और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करते थे। यूरोप के एक महान विद्वान डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने तो उनकी जीवनी का पूरा पुस्तक तैयार किया और खुद ने यह लिखा कि मैं भारत में परिभ्रमण करते करते अनेक संतों से मिला, लेकिन विजय धर्मसूरी जैसे संत मैंने, ज्ञानी संत मैंने जीवन में देखे नहीं। और ऐसे धर्मसूरीश्वर जी महाराज, आप लोग कई दिनों से सुन रहे हो कि शिवपुरी में गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का चतुर्मास है। गुरुदेव का चतुर्मास मध्य प्रदेश में क्यों, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान नहीं, दिल्ली नहीं, नॉर्थ नहीं, लेकिन शिवपुरी जैसे क्षेत्र में गुरुदेव का चतुर्मास क्यों? क्योंकि ये शिवपुरी है, धन्य धरा है, जहां पर आज से 100 साल पहले विजय धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने समाधि ली थी। यहां से जिनका देवलोक गमन हुआ था, विजय धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज साहब की जो समाधि भूमि है, और इसीलिए गुरुदेव ने यह चयन किया कि इस साल चतुर्मास शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो। श्री संघ का आग्रह सबर निवेदन, आग्रह सबर विनती और विनती का स्वीकार करके गुरुदेव यहाँ चतुर्मास करने के लिए बुलाए। यहाँ पे समाधि मंदिर है गुरुदेव धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज, जिसको अभी 9 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में शताब्दी वर्ष रूप से जिसको मनाया जा रहा है, वो महोत्सव करवाने के लिए पूरे समाधि मंदिर का तीर्थोद्धार करवाने के लिए, पूरे समाधि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के लिए गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ है। और आप सभी जो सुन रहे हो, शताब्दी महोत्सव, गुरु धर्म का शताब्दी महोत्सव, तो जिन शासन के अद्भुत ज्ञानी गुरु धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज थे, और वो धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज कौन थे? गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज के गुरुदेव आचार्य भगवान तपागच्छाधिपति प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब, उनके भी गुरुदेव वर्धमान तपोनिधि आचार्य भगवान भक्ति सूरीश्वर जी महाराज साहब, और भक्ति सूरीश्वर जी महाराज साहब के भी गुरुदेव थे शास्त्र विशारद जगत पूज्य आचार्य भगवान धर्म सूरीश्वर जी महाराज साहब। मात्र 54 ईयर्स की एज में उनका काल धर्म हो गया, डेवलप गमन हो गया, लेकिन फिर भी इतने छोटे जीवन में उन्होंने ज्ञान के बारे में जो अद्भुत कार्य किया है, और मात्र उन्होंने नहीं, उनके शिष्य परिवार ने, उनकी शिष्य संपदाओं ने अद्भुत ज्ञान का कार्य किया है, और करीबन 100 से ज्यादा ग्रंथों को उन्होंने तैयार किया है। धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने, विजयेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने, विद्या विजय जी महाराज साहब ने, विमांशु विजय जी महाराज साहब ने, न्याय विजय जी महाराज साहब ने, जयंत विजय जी महाराज साहब ने, भक्ति सूरीश्वर जी महाराज साहब ने, उनकी शिष्य परंपरा इतनी अद्भुत और इतनी ज्ञानी शिष्य परंपरा थी। अभी हम यहाँ आकर के जब संशोधन कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि यूरोप के कई देशों के वो मानक
वहां की जो सोसाइटी थी, वहां के मेंबर थे, वहां के जो ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग की संपदा थी, वहां के काउंसिल के मेंबर थे, ओरिएंटल सोसाइटी के मेंबर थे, ऐसे ऐसे अद्भुत विद्वान जिसके शिष्य रत्न थे, मात्र 54 साल की एज में आज से बराबर 100 साल पहले यही शिवपुरी की धन्य धरा पर गुरुदेव का काल धर्म हो गया, देवलोक गमन हो गया। और इसीलिए गुरुदेव का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए गुरुदेव का चतुर्मास यहाँ पे हुआ है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो गुणानुरागीता की परंपरा है, हमारे गुरुओं के प्रति हमारे उपकारों, उनकी जितने उपकार हमारे ऊपर है, उनकी जितने उपकार मात्र हमारे ऊपर नहीं, पूरे जिन शासन के एक एक व्यक्ति के ऊपर ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो अद्भुत उपकार किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए शताब्दी महोत्सव का भव्य आयोजन दिनांक 9 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में 11 दिवसीय, जहां पूरा शिवपुरी पागल बन के जुड़ा हुआ है शताब्दी महोत्सव की तैयारियों में। हर एक व्यक्ति, मात्र जैन नहीं, मात्र नॉन जैन नहीं, हर एक इंसान, हर एक धर्म का इंसान तैयारी में जुटा हुआ है। अद्भुत रूप से तैयारियां चल रही है और 9 तारीख से शुभारंभ होगा उनका शताब्दी वर्ष महोत्सव का। 9वीं तारीख को भाद्रपद शुद्ध 14 के दिन उनको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और सोने में सुहागा हम सबके परमोपकारी गुरुदेव श्री तपागच्छाधिपति प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब की 6वीं वार्षिक पुण्यतिथि का पावन दिवस 19 सितंबर के दिन आ रहा है। भाद्रपदी नवमी का वो पावन दिवस है, इसीलिए 11 दिवसीय अद्भुत आयोजन, जिसमें सामाजिक आयोजन भी है, जिसमें धार्मिक आयोजन भी है, जिसमें प्रतिदिन रात को विविध भजन संध्या, भक्ति संध्या, कवि सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजिक सिंफोनी, महा आरती, ऐसे कई अनेक आयोजन रात्रि के समय में है। तो सुबह के समय में जिन शासन के इतिहास में पहली बार 100 मांडली के साथ में अद्भुत गुरु पादू का पूजन, 1000 पुलिस बंधुओं का, ITBP बंधुओं का, CRPF के युवाओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान समारोह, डॉक्टर, 100 डॉक्टर पूरे भारत भर में से विद्वान विशेष डॉक्टरों को यहाँ पे बुलाया गया है, मेगा मेडिकल कैंप, साथ में एजुकेशन के क्षेत्र में विजय धर्म श्रीष्ठ जी महाराज साहब का सबसे प्रिय सब्जेक्ट था एजुकेशन ज्ञान, इसीलिए 1000 शिक्षकों का सम्मेलन, हजारों युवाओं का आगमन, ऐसे अनेक आयोजन आयोजित होने जा रहे हैं। और साथ में अद्भुत दो महापूजन, ग्रह शांति अनुष्ठान और नवग्रह अनुष्ठान, जिससे घर में भी शांति बनी रहे, व्यापार वृद्धि अनुष्ठान, जिनसे सामान्य लोगों के व्यापार में वृद्धि होती रहे, ऐसे अनेक अनुष्ठान, 24 तीर्थंकर परमात्मा की माता का कार्यक्रम और अंतिम दिन पूर्णाहुति के समय में भारत भर से 100 संघों का आगमन, और इसमें सिरमौर कार्य यदि सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि कोई है और गुरु धर्म को सच्चे अर्थ में अंजलि यदि कोई है तो उनकी और उनके शिष्य के द्वारा लिखित संपादित जो साहित्य है, 100 पुस्तकें जो उन्होंने और उनके शिष्य ने साथ में मिलकर के लिखी है, उसका 100 पुस्तकों का शायद शासन के इतिहास में सालों बाद ऐसी विरल घटना घटित होने जा रही है, जहां 100 पुस्तकों को पुनर्मुद्रित करके उसका प्रकाशन किया जा रहा है। इस तरह से 11 दिवसीय आयोजन, मध्य प्रदेश जो भारत के भीतर, मध्य प्रदेश भारत की जो हृदय स्थली मध्य प्रदेश, और उसमें भी शिवपुरी नगरी ग्वालियर के बाजू में होने जा रहा है। तो आप सभी से सादर निवेदन है कि आप सभी भी गुरु धर्म के शताब्दी महोत्सव में तन मन धन से जुड़िए, 9 से 19 सितंबर के बीच में एक बार आइए, यहाँ का माहौल देखिए, गुरु धर्म के प्रति एक एक बच्चे के हृदय में क्या भावना भरी है उसको देखिए, और निश्चित तौर पर गुरु भगवान की ओर से, हम सभी की ओर से आपको एक ही निवेदन है, ये शताब्दी महोत्सव में आपको जरूर जरूर पधारना है। और जिन शासन के एक महान आचार्य भगवान, 20वीं सदी के एक महापुरुष शास्त्र विशारद आचार्य भगवान धर्म श्रीश्वर जी महाराज साहब के प्रति कुछ ना कुछ उनके उपकारों का बदला हमें चुकाना है, इसलिए आप सभी को गुरुदेव के जितने भी गुरु भक्त है, जिन शासन के जितने भी शासन भक्त है, जितने भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, आप सभी से निवेदन है कि शताब्दी महोत्सव में आप सभी को जरूर जरूर जुड़ना है, और आप भी अपने मित्रों को, अपने स्नेही स्वजनों को, अपने बंधुओं को ये मैसेज पहुंचाइए। और निश्चित तौर पर आयोजित होने वाले 9 से 19 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाले शताब्दी महोत्सव में जरूर जरूर भाग लीजिए। धर्म लाभ आशीर्वाद। बोलो धर्म श्री महाराज की जय। ये शताब्दी वर्ष का जो आपको शॉर्ट में हमारे पन्ना जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसके अंदर एक कार्य और एक है, पूरे भारत भर के जैन पंडितों, 100 जितने पंडितों को बुला के उनका सम्मान समारोह रखा गया है, आप सबको पधारना है।
और पूरे परिवार के साथ जुड़ना है। और हम लोगों को जितने आचार्य भगवान गच्छादी भगवान सब ने हमको बहुत ज़बरदस्ती से बोला है कि धर्मश्री महाराज साहब के किताबें और उनका शताब्दी वर्ष बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हो और उनकी किताबें जो भी छपी हुई है उनको वापस प्रकाशित किया जाए और संघ के शासन के खूब अच्छे कार्य किए उन कार्यों को और उज्जवलित करें आगे बढ़ावे। और इन गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है और उन प्रेरणा से हम ये शासन के कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस कार्य में आपके परिवार तरफ से एक न एक दिन आपको हाजिरी देना है, प्रेम परिवार को, सारे परिवार को, सबको जुड़ना है, ये हमारे अग्रभरी विनंती है। सबको आना है, खूब आशीर्वाद आशीर्वाद।